अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद विचाराधीन कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद इलाज के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि विचाराधीन कैदी के लीवर में इन्फेक्शन की शिकायत थी। फिलहाल SDM के निर्देश पर मृतक कैदी के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। जी, जिला अस्पताल में विचाराधीन कैदी की मौत की सूचना मुझे SDM साहब द्वारा दिया गया था, और उनके द्वारा विचाराधीन कैदी उत्तम व्यापारी के शव पंचनामा के लिए आदेशित किया गया था। तो उनका शव पंचनामा किया गया है और बॉडी को PM के लिए भेजा गया है। अभी PM होगा कुछ देर बाद, और उसके बाद जो भी उसमें समस्या थी बॉडी में, जो भी उनकी दिक्कत रही होगी उसमें बॉडी में को लेकर, या फिर उनकी मौत की जो भी कारण रही होगी उसका पता चल पाएगा। जी, ये पोस्टमार्टम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। मुझे SDM साहब द्वारा शव का पंचनामा करने के लिए आदेशित किया गया था, तो शव का पंचनामा हमने किया है, और शव के पंचनामा के दौरान शरीर में कोई विशेष चोट के निशान तो नहीं दिखे हमको, लेकिन हाँ, पेट सामान्य रूप से अधिक फूला हुआ दिखा, उसको हमने पंचनामा में अपना दर्ज करके बॉडी को PM के लिए भेजा है। PM के उपरांत ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। जी, उसके बारे में तहरीर में स्पष्ट है कि 10/10/2021 से जेल में प्रविष्ट है वो, और उसका उपचार उससे पहले और अस्पताल में चल रहा था, बाद में उसको यहाँ रिफ़र किया गया था, तदुपरांत उसकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद फिर पंचनामा के लिए हमको आया पुलिस के माध्यम से, तो यहाँ उपस्थित हुए।